साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज का दिन यानी 25 जून बहुत विशेष है लोकतंत्र के लिए, उन लोगों के लिए जो मोदी को इस आधार पर बदनाम करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और इसी आधार पर भारत को भी बदनाम करते हैं। आज मैं गहन रिसर्च के साथ इमरजेंसी के दिनों की कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो शायद आपने इससे पहले सुनी ही ना हो। और इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी समेत कई दिग्गजों के बयान भी सुनाऊंगा, वो भी शायद आप पहली बार सुनेंगे। और इसके अलावा यातनाओं की वो कहानी जो पहले कभी किसी ने न देखी हो, तो वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लागू की गई थी तो इंदिरा गांधी ने देशवासियों के सामने क्या कहा था, खुद उनकी जुबान से आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. अब इंदिरा गांधी ये कह रही हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। इमरजेंसी में कैसी यातनाएं दी गई दोस्तों, ये तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये सुनिए कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के लिए क्या तर्क दिए थे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सुन लीजिए। 1.5 साल पहले 2 साल पहले यहाँ पे उसी प्रकार का झगड़ा हुआ, क्योंकि विरोधी दलों ने और तबकों ने सोचा कि वो नाजायज तरीके से लोकतंत्र के रास्ते को छोड़कर वो सरकार को दुर्बल कर सकते हैं अथवा गिरा सकते हैं। देख रहे ना, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का एक और बहाना बनाया था, महंगाई वाला, और वो वही फॉर्मूला है दोस्तों जो नेहरू से लेकर आज तक राहुल गांधी भी आजमा रहे हैं। अब इमरजेंसी के लिए भी वही बहाना था, महंगाई वाला, आप सुन लीजिए इंदिरा गांधी की जुबान से। यहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और अनुशासनहीनता हो रही थी, इसलिए हमको इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इमरजेंसी लगाने की सच्चाई क्या थी, ये जानना जरूरी है। 1971 के चुनाव में रायबरेली में इंदिरा गांधी ने राज नारायण सिंह को पराजित कर दिया था, लेकिन राज नारायण सिंह जानते थे कि इंदिरा गांधी सही तरीके से चुनाव नहीं जीती है और वो अदालत पहुंच गए। वहां पर ये बातें चलती रही, ये आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने सही तरीके से नहीं चुनाव जीता, और क्या क्या आरोप लगाए गए वो आप देख लीजिए। चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए गए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और जानते हैं लंबी सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस आरोप को सही पाया। फिर जो उस समय के न्यायाधीश थे माननीय जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। और जो उनकी विरोधी है ना राज नारायण सिंह, उनको विजयी घोषित कर दिया गया। अब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को माना ही नहीं, बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। हालांकि उस दौरान एक और घटना घटी थी दोस्तों, वो भी जानना जरूरी है, और उसका भी कनेक्शन गुजरात से है। गुजरात जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत मान भी रही थी इंदिरा गांधी, वहाँ इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की हार हो गई, करारी हार हो गई, जिससे इंदिरा गांधी को पूरी तरीके से घटना ने झकझोर कर रख दिया। लेकिन मामला वो था हाईकोर्ट वाला, मेन वही मामला था। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या बयान दिया इमरजेंसी को लेकर, एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ, सुन लीजिए। आज मुझे सिखाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र में विश्वास करते थे और मैं नहीं करता। अब मैं आपको दोस्तों इंदिरा गांधी के कुछ और बयान सुनाऊंगा इस वीडियो के आखिर में जाते जाते, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी है कि उस दौरान 63 करोड़ भारतीयों, जो यहाँ की जनता थी, उनको किस प्रकार की यातनाएं दी गई, सुनकर सिहर जाएंगे। और मैंने जिस पुस्तक को आधार बनाया है उसका नाम है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स
इन इंडिया। ये पुस्तक जो है ना वो नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम्स में उपलब्ध है। अब तो इसका नाम बदल गया, अब तो इसका नाम जो है वो पीएम सोसाइटी म्यूजियम एंड सोसाइटी हो गया। लेकिन आप पुस्तक पर आइए, और पुस्तक जो प्रकाशित की गई है ना, ये मद्रास से जो आखिरी पन्ने में मुद्रित है, और इसमें इमरजेंसी के दौरान कई कैदियों के नाम और डिटेल्स प्रकाशित हुई थी। आपातकाल के दौरान कैदियों पर किस प्रकार की अमानवीय यातना दी गई, उनके साथ बर्ताव किया गया, कुछ नमूने आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। इस पुस्तक में लिखी गई है, नंगे शरीर पर पैरों से बारूद लगे जूते से मारना, मतलब जूते में बारूद लगा होता था और उससे मारा जाता था। पैरों के तलवों पर डंडों से लगातार कई घंटे मारना। आगे बढ़िए, पैरों की हड्डियों पर पुलिस की भारी लाठी पर, पहले लाठी लगा दिया जाता था और पुलिस के सिपाही को बिठा करके घुमाना। आप सोचिए, पैर पर डंडे रख दिए गए, भारी डंडे, पुलिस वाले बैठ जाते थे और फिर उसे घुमाते थे। जेड की स्थिति में घंटों तक खड़े रखना, रीढ़ की हड्डियों पर डंडों से लगातार मारना, दोनों कानों पर तब तक थप्पड़ मारते रहना जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए, राइफल के बट से मारना, शरीर के गुदा मार्ग में बिजली के तार से करंट डालना, निर्वस्त्र कर बर्फ की सिल्लियों पर घंटों लिटा देना, मतलब बिना कपड़े के बर्फ की सिल्लियों पर, शरीर को सिगरेट और मोमबत्ती से जलाना, खाना पीना सब बंद कर दिया जाता, सोने तक नहीं दिया जाता और पेशाब को ही पीने के लिए मजबूर किया जाता, हाथों को पीठ के पीछे बांधकर पंखे या छत से लटका दिया जाता, जैसे हवाई जहाज लटकता है, एरोप्लेन, उस तरीके से लटकाया जाता था। तो कुल मिलाकर यातना देने के जो तरीके हैं ना दोस्तों, वो बड़े खतरनाक, इतने खतरनाक कि आप देखकर सुनकर आप सिहर जाएं। और इस बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या कहा था, एक छोटा सा बयान सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिए। 2 साल 75 से 77 के शुरुआत तक जो इमरजेंसी लादी गई देश के ऊपर, परंतु लोगों पर इतना जुर्म हुआ कि कोई बोल नहीं सकते थे, लाख से ज्यादा लोगों को जेल में रखे, लेकिन अखबार में कोई खबर नहीं। और जानते हैं दोस्तों, जो बता रहे हैं ना पूर्व प्रधानमंत्री, लाखों लोगों को जेल में रखा गया, इन यातनाओं को सहने वाले अनगिनत सिपाही कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, किसी को नहीं पता। कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा सके। और जब मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, देखी, तो ये किताब से पता चला, क्योंकि इसमें केस स्टडी है, लोगों के नाम हैं, ये बताए गए हैं कि उन पर किस प्रकार की यातनाएं की गई। जब मैं आपके सामने कई नाम रख रहा हूँ, नरसिम्हा रेड्डी, महेंद्र बापू रेड्डी, ये सब हैदराबाद के हैं, नलगोंडा के सुरेश चन्ना रेड्डी, श्रीकाकुलम के एडिडा रमन, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखते चले जाइए। ये तो वो नाम है जिनके नाम सामने आ गए, लेकिन जो ख़त्म हो गए यातनाओं को सह सह कर, जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जिनका सारा कारोबार ख़त्म हो गया, पूरा परिवार चौपट हो गया, ऐसे लोगों की कहानियां तो पता ही नहीं चली, इतनी सारी बंदिशें लगा दी गई थी। तो इन नामों को देखने के बाद ये आप समझिए दोस्तों कि उस इमरजेंसी के दौरान, छोटा क्या बड़ा क्या, हर कोई इंदिरा गांधी की यातना का शिकार बना, संविधान बदल दिया गया। जो लोग आज अदालत पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान को धता बता दिया, लोग कोर्ट तक नहीं जा पाते थे। आपको मैं पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का एक और बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। हमारे जैसे लोगों को बंद कर दिया और पार्लियामेंट में मनमाना कानून पसार कर दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ था, परंतु विरोध पक्ष में कोई बोल न सके ऐसी हालत पैदा कर दी, अखबार कुछ लिख ही नहीं सके ऐसी अखबार पर जबरदस्ती की, कोर्ट में कोई शिकायत न हो सके ऐसा कानून बनाया। अब मैं आपको साथियों इमरजेंसी की कुछ कहानियां बताता हूँ, वो कहानियां जो इस पुस्तक में दर्ज है,
और उससे आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी चीज़ क्या है, किस चिड़िया का नाम है, क्यों उसकी आज भी लोग याद करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों बार बार याद दिलाते हैं। आप देखिए 18 नवंबर 1975 को आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व सिटी कॉलेज हैदराबाद के अशोक कर रहे थे। इस दौरान उन्हें 4 दिसंबर 1975 को पुलिस ने इतना पीटा, इतनी बर्बरता से पीटा कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी, वे बेहोश हो गए। लेकिन इन हालातों में भी उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई। और ऐसी ही दास्तां हैदराबाद के विकराबाद में भी कृष्णैया और अन्य सत्याग्रहियों के साथ किया गया। उन पर जुल्म ढाए गए, उन्हें जेल में भोजन नहीं दिया गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर निर्वस्त्र करके कड़कड़ाती ठंड में नंगे बदन सोने को कहा गया। पेज नंबर 15 में ये लिखा है। और जानते हैं दर्द की यही कहानी करीमनगर जिले में गोदावरी खानी में 7 अक्टूबर 1975 की है। इस दिन 7 लोग आपातकाल के खिलाफ पोस्टर चिपका रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाने में भयंकर यातना दी गई, इनके कपड़े उतार कर शरीर को मोमबत्तियों से जलाया गया। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, उनका पूरा शरीर जल गया था। किसी तरह उन्हें करीमनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब उनके साथी उनसे मिलने आए तो दहल गए, दृश्य देखने लायक नहीं था दोस्तों। और जानते हैं इंदिरा गांधी क्या कहती थी कि इमरजेंसी की वजह से देश में शांति आई है। अब ये शांति कैसी थी ये तो आपको मुरारजी देसाई के बयान से ही पता चलेगा, सुन लीजिए। देश को इतना भयभीत बना दिया और कहते थे कि हमने शांति कायम की, स्मशान की शांति क्या काम की। और यातनाओं के का जो ये सिलसिला है दोस्तों यहीं खत्म नहीं होता है, कुछ और केस स्टडी आपको बताता हूँ। हुबली के कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र श्रीकांत देसाई को 27 नवंबर 1975 को गिरफ्तार किया गया। श्रीकांत देसाई कर्नाटक विद्यार्थी परिषद के संयुक्त सचिव थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके थाने में बुरी तरह से पहले डंडों से हाथों से जैसे मौका मिला वैसे मारा, फिर उन्हें एरोप्लेन बनाकर हवा में लटका दिया गया। और इसके लिए क्या किया, दोनों हाथों को पीठ के पीछे बांध दिया गया और उसी बंधे हुए हाथ के शरीर को, पूरे शरीर को लटका दिया गया। ये यातना दी गई इमरजेंसी के दौरान। और ऐसी ही यातना दोस्तों मंगलोर के कनारा कॉलेज के युवा छात्र नेता उदय शंकर के साथ किया गया, उन्हें बिना वारंट के, उस समय तो वारंट का क्या लेना देना, कोर्ट कचहरी सब खत्म, बिना वारंट के 12 नवंबर 1975 को घर से पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया और जमकर मार पीट की गई। उन्हें खाना नहीं दिया गया, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया और इतनी यातना देने के बाद भी बर्बरता नहीं रुकी और फिर उसी तरीके से दोनों हाथ बांधकर एरोप्लेन की तरह उन्हें भी लटका दिया गया। और यातनाओं का दौर ऐसा था दोस्तों कि किसी को भी नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको व्यापारियों की बात बताता हूँ। मैंगलोर के 3 सम्मानित व्यापारी अनंत हेगड़े, पांडुराम हेगड़े और गणेश कुड़वा को 13 नवंबर 1975 को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। उनके 3 दिनों तक लाठी डंडों से पिटाई होती रही, इतनी बर्बर पिटाई हुई कि उन्हें लगभग अपाहिज बना दिया गया और उस दौरान उन्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया गया। और जब कोर्ट में पेश करने की बारी आई तो उन्हें ज़बरदस्ती पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। अब जानते हैं इन्हीं परिस्थितियों के लिए मैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान सुनाता हूं इमरजेंसी को लेकर, सुनिए। लोकतंत्र खतरे में हो, व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न कौन हो जाता है जब सारा देश जेल खाना बना दिया गया। और जानते हैं दोस्तों ये दौर ऐसा था जिसमें एक महिला प्रधानमंत्री ने एक माँ की दर्द को भी नहीं समझा। वो कहने के लिए एक महिला प्रधानमंत्री थी लेकिन औरतों की परेशानियों को भी नहीं समझा और उन्हें भी यातना दी गई। एक केस स्टडी देखिए, बेंगलोर की एक महिला नरसम्मा गरंडप्पा को आपातकाल का विरोध करने पर 15 अगस्त 1947 को गिरफ्तार किया गया।
तारीख सुन लिया ना आपने, 15 अगस्त, यानी जिस दिन अंग्रेज़ों की यातना से संघर्ष करके हम आज़ाद हुए, उसी दिन इस महिला को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये महिला प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और जब प्रेगनेंसी का टाइम आया तो इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पैरों में हथकड़ी लगाकर बेड से बांध दिया गया। कहाँ थे उस समय ह्यूमन राइट्स वाले? आज तो कश्मीर में बहुत घूमते हैं। कोई नहीं था, किसी की आवाज़ नहीं थी। और 15 अगस्त के दिन, यानी एक माँ अपनी प्रसव पीड़ा के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने की पीड़ा भी झेल रही थी। तो ये तो कहानी है। एक और आपको दिखाता हूँ। बेंगलोर में जॉर्ज फर्नांडिस के भाई 44 साल के लॉरेंस फर्नांडिस को पुलिस उनके घर से 1 मई 1976 को पूछताछ के बहाने उठाकर ले गए। उस समय भी कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस का पता ठिकाना पूछना था, और इसके लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई, निर्मम तरीके से मारपीट की गई, खाना नहीं दिया गया, डंडों से इतना पीटा कि 5 टुकड़े हो गए। और उससे भी मन नहीं भरा तो बरगद के पेड़ की जड़ से पिटाई की गई, थप्पड़ मारा गया, बूटों से रौंदा गया, और मारपीट जब इतनी हो रही तो गाली गलौज तो छोड़ ही दिए, पूरे परिवार के लिए गाली गलौज की गई, और उन्हें ट्रेन के बीच, रेल की पटरियों के बीच फेंक देने की धमकी दी गई। ये थी स्थिति। और 20 दिनों में इतनी यातना दी गई दोस्तों कि उनका वजन 20 किलो कम हो गया। यानी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक और आपको बताऊँ, एक सांसद पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए जब पहुँचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप खुद लाल कृष्ण आडवाणी की जुबान से सुनिए। एमपी आए हुए हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए बेंगलोर में, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपातकाल की यातनाओं से दोस्तों कोई भी शहर अछूता नहीं था। कोचीन के पुरुषोत्तम अपने 10 दोस्तों के साथ आपातकाल के खिलाफ इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इन्हें गिरफ्तार करके कुबारा पुलिस स्टेशन लाया गया। यहाँ इन्हें पीटने के जो बर्बर तरीके हो सकते हैं ना, वो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ऐसी ही अमानवीय यातनाएं अलेप्पी में 20 नवंबर 1975 को कुछ गुमनाम सिपाहियों के साथ किया गया। यानी हर राज्य में, हर जगह जो यातनाएं देने का सिलसिला था वो चल रहा था। लेकिन जब राजनीतिक कैदियों की बात करें दोस्तों, तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 था। और यहाँ पर जो यातना दी गई, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर क्या किया, एक पोलियोग्रस्त 7 साल के एक बच्चे को इसलिए हिरासत में ले लिया गया कि जो उनकी माँ थी, उस बच्चे की माँ, वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी, तो वो आत्मसमर्पण कर दे, इसलिए 7 साल के बच्चे को हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए रीवा का जेल, ये तो वीर सिपाहियों से भरा पड़ा था। यहाँ कैदियों को ऐसा खाना दिया जाता था कि वो बीमार पड़ जाए। कई लोगों को डायरिया हो गया। जब इसकी शिकायत की गई तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। और इतना ही नहीं, जो जेल में बंद खूंखार कैदी हैं उनसे पिटवाया गया। इतना पीटा गया कि वो गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे, खाना नहीं दिया जाता था, तलवों पर डंडों से पीटा जाता था। और जो हाथ पैर है उनमें 18 से 20 किलो तक की बेड़ियां डाल दी गई थी। अब सोचिए, राजनीतिक कैदियों की बात बता रहा हूँ। एक और आपको बताता हूँ, वामपंथी आज बड़े साथ में चिपक रहे हैं, इनकी भी एक कहानी बताता हूँ। अगस्त 1975 में वामपंथी कार्यकर्ता रबीन कालिता को गुवाहाटी में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गिरफ्तारी की अवस्था में ही अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ। इलाज के दौरान रिश्तेदारों को भी नहीं मिलने दिया गया, और बेड पर जब वो थे अस्पताल में तब भी हथकड़ी लगी हुई थी। ऐसी भयावह यातना और बीमारी के कारण उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। और याद रखिए दोस्तों, ये जो कहानियाँ बता रहा हूँ ना, इससे इंदिरा गांधी को थोड़ी फर्क पड़ा। वही तो करवा रही थी, उन्हीं का शासन काल था, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और वो इसे सही ठहराते हुए बताती थी कि देश में एक नया वातावरण तैयार हुआ है।
बयान सुन लीजिए। 1.5 साल जब से इमरजेंसी है तब से एक नया वातावरण बना, एकता का, मजबूती का, अनुशासन का, शांति का, जनता के सहयोग का। जिस प्रकार का माहौल बना दोस्तों देश में इमरजेंसी के दौरान, उसमें 16 से 17 साल तक के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मैं कुछ नाम आपको उम्र के साथ बता रहा हूँ। बीकानेर के 16 वर्षीय ओम प्रकाश राव, 17 साल के विजय कुमार भट्ट, 18 साल के दत्ता दवे, 16 साल के आशुतोष रावल, 18 साल के ब्राह्मण वारा गहलोत को गिरफ्तार करके बुरी तरह पीटा गया। जब 10वीं के छात्र मोतीलाल जाट ने सवाई माधोपुर में 14 नवंबर 1975 को प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें गिरफ्तार करके बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। 21 नवंबर 1975 को बिजली का करंट लगाकर क्रूर यातनाएं दी गईं। इनमें पूलचंद, रमेश चंद्र, रमेश शर्मा को भी गंगापुर में बिजली का करंट दिया गया। और बच्चे ही नहीं, आपातकाल में युवाओं के साथ जो ज्यादती की गई उसके भी अनेकानेक कहानियां हैं दोस्तों। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सेक्रेटरी हेमंत कुमार बिश्नोई को तब गिरफ्तार किया गया जब वो दोस्तों के साथ नई दिल्ली के बुद्धा गार्डन में बैठे थे। उन्हें गिरफ्तार करके उल्टा लटका दिया गया, उनके तलवे को मोमबत्ती से जलाया गया, उनके नाक और गुदा में लाल मिर्ची का पाउडर भर दिया गया और उनके खिलाफ, जानते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक साजिश रचने का झूठा आरोप लगाया गया। और इन यातनाओं को सहते सहते हफ्ते भर बीत गए। जब उनकी माँ मिलने आई और देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनका बेटा है। इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अन्य छात्र महावीर सिंह को गिरफ्तार करके लॉकअप में उल्टा लटका दिया गया, निर्वस्त्र करके इतना पीटा गया कि 3 महीने बाद भी त्वचा इतनी संवेदनशील हो गई कि शर्ट पहनने के बाद उन्हें एलर्जी होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी गदगद थी क्योंकि उनको लग रहा था कि देश तो तरक्की कर रहा है। आपको उनका एक बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। सारी दुनिया में जो लोग हमारी निंदा भी करते थे वो सब प्रशंसा करते हैं कि इमरजेंसी अच्छी हो चाहे बुरी, लेकिन इमरजेंसी के कारण ही हम इतनी उन्नति कर पाए हैं। और जानते हैं दोस्तों, इसी आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में संघर्ष किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रखने में बड़ा सूझबूझ से काम लिया था। उस पर तो अब कई सारी चीज़ें आ गई प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन इंदिरा गांधी को लगता था कि उन्होंने तो कीमतों को कम कर दिया, महंगाई कम कर दिया और इसीलिए पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। एक बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। 77 में हमने इस देश को कहाँ पहुँचाया था, सारी दुनिया ने स्वीकार किया और खुलेआम कहा कि अब भारत ऐसी जगह पे पहुँचा है कि बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। वही समय था, हमने अब कीमतों को कम कर दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई तो यही है कि लगातार 30 साल शासन करने के बाद भी, कांग्रेस का ही शासन काल था आजादी के बाद, इंदिरा गांधी को महंगाई की याद आ रही थी, यही हकीकत है। और जब इनकी सरकार गई, आप पिछले ही कांग्रेसी कार्यकाल को लीजिए ना, मनमोहन सिंह के 10 साल, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज तो ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारत की महंगाई दर सबसे कम है। और इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में भारत का डंका पीट रहा है। ये ऐसे ही नहीं है कि अमेरिका के संसद में भाषण देने जाएं तो 79 बार तालियां बजे और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिले। ये ऐसे ही नहीं मिलता है दोस्तों, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। 56 इंच का सीना जो बात आती है ना, वो इसी के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने, जो स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे, बिहार की धरती के सपूत थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस जेपी आंदोलन में उन्होंने कमान संभाली, युवाओं को एकजुट कर दिया। उनका एक छोटा बयान सुनाता हूँ, सुन लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि नवयुवक अपने यात्रा जारी रखेंगे। मेरे नवयुवक मित्र, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो।
अपना यह नारा भूलो नहीं संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। और उस जेपी आंदोलन का ये असर हुआ कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 154 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। पहली बार सत्ता से बेदखल हुई थी कांग्रेस। वहीं जनता पार्टी और गठबंधन को 542 में से 303 सीटें मिली, अकेले जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। और ख़ास बात जानते क्या है कि इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन बिहार की धरती से ही शुरू हुआ था और इसी आंदोलन से अन्य नेताओं के साथ लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता भी निकले। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि उसी कांग्रेस के साथ जो इमरजेंसी की गुनहगार है, लालू और नीतीश मिल गए हैं। अब आप समझिए दोस्तों, आपातकाल में जिस प्रकार की घोर यातनाएं दी गई, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उसे सही ठहराया, हालांकि बाद में स्थितियां बदली, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उस समय अदालत ने भी नागरिकों की रक्षा नहीं की जो मानव अधिकार है, लेकिन आज तक दोस्तों कांग्रेस ने इस देश से माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन स्थिति देखिए, हालात देखिए, जो नरेंद्र मोदी जो इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो एक एक संस्था का सम्मान करते हैं, उन पर यही कांग्रेस, इसी गांधी परिवार के लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन उस इमरजेंसी के लिए इनके मन में कभी कोई पश्चाताप नहीं रहा, कभी माफ़ी नहीं मांगी, और आज उन्हीं के साथ ये सारे के सारे लोग एकजुट हो गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने ये प्रयास किया कि इमरजेंसी की कहानी को आप सही तरीके से, सही संदर्भ में और उन्हीं के बयान के ज़रिए, उन्हीं घटनाओं के ज़रिए आपको समझा सकूं। कई सारी किताबें पढ़ी दोस्तों, कई सारे संदर्भ देखे और उसके बाद ये आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है मुझे आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।